देखेंगे नाइकी का लोगो, यहाँ पे मल्टी ग्राउंड लिखा। हेलो गाइस, तो ये है नाइकी फैंटम, ये है किपस्टैप 550 और ये है ISL मैच बॉल। और ये नाइकी फैंटम मैंने लेटेस्ट मंगाया है, आप देख सकते हैं। इसका फर्स्ट लुक रिव्यू और ग्राउंड टेस्ट करने वाले हैं। तो चाहे गाइस, ये है इंडियन फुटबॉल ग्राउंड, इंडियन टाइप ऑफ फुटबॉल ग्राउंड, और इसके ऊपर हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। आपको बताएंगे कि क्या ये सही है लेना और ग्रिप वगैरह कैसी है। कंट्रोल बहुत प्यारा है गाइस, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये है नाइकी फैंटम और इसका फर्स्ट लुक रिव्यू अनबॉक्सिंग तो मैंने कर दी है। फर्स्ट लुक और ग्राउंड टेस्ट मैं आपको करके दिखाऊंगा। और ये है इंडियन टाइप ऑफ फुटबॉल ग्राउंड, इसके ऊपर इसकी ग्रिप कैसी रहती है। और गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर नाइकी को नाइकी बोला जाता है वो क्यों बोला जाता है, क्यों सबसे स्पेशल है, एडिडास, प्यूमा, स्टार इंपैक्ट, नीविया, किप्टा सब यूज़ कर दिया गाइस, बट ये जो नाइकी फैंटम है ना गाइस, ये नाइकी शूज, इसको अलग से क्यों, इसको इतना खास कहा जाता है, क्यों वर्ल्ड कप में प्लेयर्स को पहन के खेल रहे हैं, वो मुझे आज रियलाइज हो गया है और मैं आपको बताऊंगा क्यों इतना स्पेशल है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कहाँ से लिया, कैसे लिया, कितने का लिया, सब बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, लेट्स गो। तो गाइस, जल्दी से मैं आपको इस चर्च का क्लोज लुक दिखा देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर ग्रेन्स हैं जो कि इसकी ग्रिप को बहुत अच्छा बनाते हैं। इसकी शेप फ्लैट है, यानी कि चिप शॉट्स आपके बहुत अच्छे लगेंगे। इनसाइड अगर आप देखेंगे तो ग्रेन्स बहुत ही प्यारे हैं गाइस, बॉल चिपक रही है एकदम। अगर आप इसका बेस देखेंगे, नाइकी का लोगो, यहाँ पे मल्टी ग्राउंड लिखा हुआ है और इसके जो ग्रे जो स्टड्स है वो राउंड भी हैं और एरो वाले भी हैं, यानी कि ग्रिप बहुत प्यारी बनने वाली है। और आप देख सकते हैं नीचे भी ग्रिप है यहाँ पे। और साइड में देखेंगे तो नाइकी का लोगो फैंटम यहाँ मेंशन है। और साइड लुक मैं आपको दे देता हूँ नाइकी का फिर से लोगो और ये नीचे से आप देख सकते हैं। तो गाइस, जल्दी से इन स्टड्स का आप ग्राउंड टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। और आप देख सकते हैं जगलिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो रही है, बहुत ईजिली इसको मैं कर पा रहा हूँ, कंट्रोल में है बॉल बहुत अच्छे से और बहुत ही लाइट फील हो रहा है। आप देख सकते हैं ग्रिप बहुत अच्छी बन रही है, इसकी वजह से मैं अलग अलग स्किल्स कर पा रहा हूँ और बहुत ही लाइट फील हो रहा है। आप देख सकते हैं बॉल किस तरीके से बॉल पैरों की तरफ आ रही है और कैसे बॉल स्टिक कर रही है। आप देख सकते हैं जो लेग मूवमेंट है वो बहुत ही अच्छी हो रही है क्योंकि स्टड्स बहुत लाइट वेट है, ग्रिप बहुत ही अच्छा है। इसके हाइब्रिड टाइप के इसके स्टड्स हैं जो इसको आपको ग्रिप करने में बहुत अच्छा हेल्प करेंगे। आप देख सकते हैं चिप जो एक ये जो फ्लिक मैंने किया है, मतलब बॉल के नीचे पैर जा रहा है बिल्कुल, क्योंकि इस स्टड्स की शेप बहुत ही फ्लैट है और बहुत ही अच्छा आप चिप और क्रॉसेस के लिए हेल्प करेगा ये, आप देख सकते हैं। बाकी जो कोन्स के बीच में ड्रिबलिंग है वो बहुत स्मूथ है और थोड़ा सा प्रैक्टिस भी है, बट हाँ स्टड्स से भी आपको इसमें हेल्प मिलने वाली है। आप देख सकते हैं अलग अलग एंगल से मैं आपको दिखा रहा हूँ और बहुत ही अच्छा एक आपके टर्न्स लेने के लिए हेल्प करेगा। साथ में आप कंट्रोल देख लीजिए, बहुत ही अच्छा एक टच फर्स्ट टच मिल रहा है यहाँ पे और जो इसके ग्रेन्स है बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। और इनर सोल आप देख लीजिए, इनसाइड पार्ट बहुत ही अच्छा है। चिप में आप देख सकते हैं किस तरीके से हेल्प कर रहा है क्रॉस करने के लिए क्योंकि इसकी शेप फ्लैट है। तो गाइस, ये था इसका फर्स्ट लुक रिव्यू ग्राउंड टेस्ट। और गाइस, यकीन मानना नाइकी इसलिए स्पेशल है गाइस, लाइट वेट, गुड कंट्रोल और जो बॉल के ऊपर मूवमेंट है बहुत ही प्यारा है गाइस, फील बहुत अच्छा है। और नाइकी प्यूमा एडिडास यूज़ करते हुए, किप्टा, स्टार इंपैक्ट, नीविया सब यूज़ कर दिया गाइस 10 सालों के खेलते हुए, ऐसे इंप्रूवमेंट गाइस। ये नहीं बोलता हूँ कि शूज से फर्क पड़ता है, बट हाँ इट मैटर्स इफ़ यू आर प्लेइंग एट अ सेमी प्रो प्रो लेवल, इट मैटर्स कि आप कौन सा शू यूज़ कर रहे हो और आपका जो गेम है वो आपको मतलब जिस लेवल पे कुछ गलती आप नहीं करना चाहते हो वहाँ पे गलती ना करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट शू है ये। और फ्लिपकार्ट का मैंने मंगाया, फ्लिपकार्ट से 4300 का पड़ा था, आपको लिंक शेयर कर दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में। और मेरी तरफ से गाइस हाँ है, बिल्कुल ले सकते हो आप। और वैल्यू फॉर मनी है गाइस, अगर 4000 का लिया है तो जी हाँ वैल्यू दे रहा है। स्पीड बहुत ही लाइट वेट है तो बहुत अच्छी स्पीड आ रही है और ऐसा लग नहीं रहा कुछ पहना हुआ है और ग्रिप भी बहुत एक नंबर है। तो गाइस, आई होप आपको ये ऑनेस्ट रिव्यू अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा लाइक करना। कुछ भी होता है गाइस तो मैं वीडियो में बता दूंगा, कुछ गलत होता है, कुछ अच्छा फील नहीं होता तो बता दूंगा, बट अभी तक लगता नहीं मुझे क्योंकि बहुत सारे शूट ट्राई किए हुए हैं, ऑलमोस्ट 9-10 साल हो गए फुटबॉल खेलते हुए, लग नहीं रहा कुछ कमी होगी। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में गाइस, पीस आउट।